आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी थी हमारे व्यूअर्स से। उसके लिए सबसे पहले हम एक कट बाउल लेंगे, उसमें आधा कप ल्यूक वॉर्म वाटर डालेंगे, मतलब गुनगुना पानी। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप उंगली डालें तो आप सह पाए। उसके बाद उसमें एक छोटा चम्मच शक्कर डालें और फिर उस शक्कर को पिघलाएं पानी में डाल के। जब शक्कर पिघल जाए तो फिर उसमें डेढ़ छोटे चम्मच ईस्ट डालें। हमने यहाँ पे ड्राई इंस्टेंट ईस्ट लिया है और फिर उसे 10 मिनट ढककर रख दे फर्मेंट होने के लिए। अगर आपका ईस्ट फर्मेंट ना हो तो प्लीज़ आप आगे का प्रोसेस ना करें। देखिए अब हमारा ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अगर आपका ईस्ट ऐसा ना हो, फर्मेंट ना हो, तो प्लीज़ आप आगे का प्रोसेस ना करें। ईस्ट फर्मेंट हो गया है, अब हम डो बनाएंगे बेस के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और उसमें फिर आधा छोटा चम्मच नमक डाले और फिर ईस्ट जो हमने फर्मेंट किया था वो डाल दे और एक नरम आटा गूंदे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाले और आटा को गूंथे। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बटर ले और उसे आटा में अच्छे से मिक्स करें और आटा को गूंथे। आटा को कम से कम 10 से 12 मिनट तक गूंथे। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि आटा में बहुत सारी दरारें हैं। एकदम अच्छे से गूंधे, एकदम सॉफ्ट होने तक। जब ये आटा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच बटर लगाए और डो को 1 घंटे के लिए रख दे फर्मेंट होने के लिए। ढक कर रखे 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए। तब तक आइए चलिए हम पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर उबाले हैं और 4 काश्मीरी सूखी हुई लाल मिर्च भी। इसे हमने कुकर में 3 से 4 सीटी होने तक पकाया है। अब टमाटर के छिलके निकाल लें। छिलके निकालने के बाद इसे एक मिक्सर जार में डालें और एकदम बारीक पीस लें। पीसने के बाद एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर को गरम करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर उसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और उसे 1 मिनट के लिए पकाएं। फिर उसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालें और प्याज को हल्का गुलाबी रंग होने तक उसे पकाएं। जब वो हल्का गुलाबी रंग का हो जाए तो उसमें हमने जो टमाटर और सूखी हुई लाल मिर्च का पेस्ट बनाया उसे डालें और उसे फिर 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएं। फिर उसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो, 1 छोटा चम्मच शक्कर और नमक डालें स्वाद अनुसार और फिर उसे 2 मिनट के लिए और पकाएं। 2 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा सॉस एकदम तैयार है। देखिए 1 घंटे बाद हमारा डो कितने अच्छे से फूल गया है, डबल हो गया है साइज़ में। अब इसमें से एयर रिलीज़ करें और इसे 2 मिनट के लिए गूंथ लें। अब हमने यहाँ पे मकई का आटा लिया है, इसे थोड़ा सा डस्ट करें। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब डो का बड़ा पोर्शन ले, तोड़े उसे और रोल करें। थोड़ा सा मकई का आटा उसमें डस्ट करें और फिर उसे रोल करना स्टार्ट करें। थोड़ा सा मोटा ही बेलें उसे। देखिए हमने काफ़ी मोटा बेला है इसे और आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे फ्राइंग पैन में। तो अभी हमने फ्राइंग पैन को गैस पे नहीं रखा है, ऐसे ही लिया है। अभी हमारा बेस आप फ्राइंग पैन में रखें और उसमें कांटे वाले चम्मच होते हैं ना, उससे ऐसे होल हो मतलब छोटे छोटे छेद करिए। फिर उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। फिर उसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालें, आप चाहे तो बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। फिर उसमें डाइस्ड कैप्सिकम डालें, मतलब कटा हुआ शिमला मिर्च, आप चाहे तो कलरफुल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। फिर इसमें पनीर के क्यूब्स डालें कटे हुए।
फिर प्याज डालें कटा हुआ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स को थोड़ा सा स्प्रिंकल करें। अब इसमें बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डालें। आप चाहे तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करें। अब पैन को गैस पे रखें और मीडियम फ्लेम पर उसे पकाएं। ढक कर पकाएं उसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे हमारा पिज़्ज़ा एकदम अच्छे से बेक हो गया है। अब पिज़्ज़ा को कट करें। आप चाहे तो इसे 4 पीसेस में भी कट कर सकते हैं या फिर 6 पीसेस में भी कट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करें। ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा का चीज़ पुल कितना परफेक्ट आया है। हमारे पिज़्ज़ा का बेस देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।